Assalamu alaikum students, this is Umar Kashif. Today we are going to discuss chapter 4, class 7, science. The name of the chapter is environment and feeding relationships. First of all, हम introduction देखते हैं. Introduction में कहते हैं कि environment of an organism consists of all living and non-living things around that organism. तो environment से मुराद ये है कि एक organism के इर्द गिर्द का माहौल जहाँ पे living और non-living दोनों तरह के organism पाए जाते हों वो उस organism का माहौल कहलाता है. तो दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि environment एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक जानदार रहता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है. नेक्स्ट वो कहता है दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वन वे आर द अदर. तो जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसी न किसी तरह से उस ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी हुई होती हैं और उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही होती है. अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो कुछ लिविंग थिंग्स से वो फ़ायदा हासिल कर रहा होता है और कुछ उसे नुकसान भी पहुँचा रही होती हैं. इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो हो सकता है वो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स उसको उस माहौल में रहने के काबिल बना रही हों. जिस तरह से हवा हो गई, तो अगर हम हवा की बात करें तो वो उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होगी. तो जिस तरह से एक, या अगर हम ह्यूमन की बात करें, एक मखसूस माहौल के अंदर इंसान रह सकता है, तो इसी तरह से हर जानदार भी एक मखसूस माहौल के अंदर रहता है और उसका लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ों के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है. नेक्स्ट वो कहता है ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो नेक्स्ट वो यही बात कर रहा है कि जितने भी जानदार मौजूद हैं, एक तो उनके आपस में रिलेशन होते हैं एंड सेकंड, और दूसरे उनके नॉन लिविंग थिंग्स के, मिट्टी हो गई, पानी हो गई, हवा हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये एक जानदार की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही होती हैं. और जैसे वो ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें उसकी लाइफ को गुजरने के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं और उसकी लाइफ को चेंज कर रही होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम क्या है? हमने एनवायरनमेंट का कहा कि ऐसी जगह या ऐसा माहौल जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता हो और उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी ताल्लुक हो, तो उसको हम इकोसिस्टम का नाम देते थे. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ए सिस्टम फॉर्मड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम से मुराद क्या है कि एक जानदार मौजूद है, उसका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक को हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं. तो दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हैं हम कि एक जानदार जिस जगह पर मौजूद होगा, एक तो वो उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, दूसरा वो वहाँ पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ जो ताल्लुक बना रहा है, उस ताल्लुक को हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं. और उस इकोसिस्टम में हर एक जानदार अपना एक मखसूस लाइफ साइकिल गुजार रहा होता है और हर एक जानदार दूसरे जानदार से किसी न किसी तरह से या तो फ़ायदा हासिल कर रहा होता है या फिर उसी को फ़ायदा पहुँचा रहा होता है. तो ये क्या हो गया? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में रिलेशन हो गया जिसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं. नेक्स्ट वो कहता है एन इकोसिस्टम में भी लार्ज एज डेजर्ट आर समाल लाइक द डिकेइंग लॉग. तो इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है लार्ज, दूसरा होता है समाल. अगर हम लार्ज इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जानदार पाए जाते हैं या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. अगर हम समाल इकोसिस्टम की बात करें तो उस समाल इकोसिस्टम के अंदर चंद जानदार पाए जाएंगे. तो यहाँ पे जिस तरह से कहा गया एन इकोसिस्टम में भी लार्ज एज डेजर्ट, तो अगर हम सहरा के अंदर देखें तो सहरा एक ह्यूज एरिया है, एक बहुत ज़्यादा लैंड या सैंडी एरिया है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं. उसमें परिंदे हो सकते हैं, परिंदों के साथ साथ रात को कुछ जानवर हो सकते हैं, कुछ दिन वाले जानवर हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, बिच्छू, चूंटियाँ. तो ये क्या हो गए हैं? ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं. इसी तरह से वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स में वही सैंड हो गई, दूसरी तरफ वहाँ पे हवा हो गई, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो आपस में ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. दूसरी तरफ वो कह रहा है समाल आर समाल लाइक द डिकेइंग लॉग. अगर हम एक ऐसी लकड़ी जो गल सड़ रही हो उसकी बात करें, तो
तो उसके अंदर चंद एक जानदार मौजूद होंगे। एक लकड़ी है ना, उसको तो गलने सड़ने के अंदर भी जानदार हिस्सा ले रहे होंगे। तो उसमें हम मोस्टली डिकम्पोजर्स की बात करेंगे। हो सकता है वहाँ पे डिकम्पोजर्स मौजूद हो और उस लकड़ी को गलने सड़ने का मौजब बन रहे हो, या उसको डिकेंग प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे हो। तो ये क्या हो गया, समाल इकोसिस्टम हो गया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जानदार मौजूद नहीं है। उसके बाद वो कहता है डेजर्ट्स, सी शोर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, ग्रास लैंड एंड रेन फॉरेस्ट आर आल्सो सम ऑफ द इकोसिस्टम। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इकोसिस्टम की। अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो हमने पहले बात की है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जानवर मौजूद होंगे, तो ये क्या है, लार्ज इकोसिस्टम है। दूसरा वो कहता है सी शोर्स, समंदर के किनारे। अगर हम समंदर के किनारे के करीब की कम्युनिटी को देखें तो वहाँ पे भी हो सकता है चंद जानदार मौजूद हों या बहुत ज़्यादा जानदार मौजूद हों। दूसरी तरफ अगर हम रिवर्स की बात करें, दरिया की बात करें, तो दरिया के पानी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जानदार पाए जाते होंगे। उसमें बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, एलजी होगी, इसके अलावा वहाँ पे फिशेज होंगी, फिशेज के अलावा टर्टल्स होंगे, टर्टल्स के अलावा छोटे छोटे और भी कई जानदार मौजूद होंगे। तो ये क्या हो गया, एक लार्जर इकोसिस्टम हो गया। इस तरह से अगर हम माउंटेन को देखें तो पहाड़ों के अंदर यहाँ पे हो सकता है लार्जर इकोसिस्टम ना हो, लेकिन अगर हम एक ह्यूज एरियाज के अंदर माउंटेन्स की बात करें तो वो भी क्या हो गया, एक लार्ज इकोसिस्टम हो गया। अब दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ओशंस। तो अब ओशंस क्या है, ये भी समंदर ही है, लेकिन सी एंड ओशन के अंदर फ़र्क ये है, जो सी है वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, जो ओशंस हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं। तो ये सी और ओशन के मोबाइल डिफरेंस हो गया। तो जो ओशंस है तो उसके अंदर अगर हम कम्युनिटी को देखें तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। एलजी होती है, फंजाई होती है, स्टार फिश होती हैं, जेली फिश होती हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक लार्जर इकोसिस्टम हो गया। नेक्स्ट वो कहता है ग्रास लैंड एंड रेन फॉरेस्ट। ग्रास लैंड की बात करें तो वहाँ पे भी उसमें उसके अंदर देखेंगे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो इसी तरह से रेन फॉरेस्ट को देखें, ऐसे जंगलात जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ पे भी कुछ इकोसिस्टम पाए जाते हैं और उनके आपस में ताल्लुक होते हैं। इकोसिस्टम मतलब यही है कि जानदार पाए जाते हैं और उसके इर्द गिर्द और मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं जिनका आपस में रिलेशन होता है, जिसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।